गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड योर स्टडी इज गोइंग ऑन वेरी वेल। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड ए पार्ट ऑफ यूनिट सरफेस केमिस्ट्री, दैट इज एडसॉर्प्शन। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड एंड यू कैन रीड एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन फ्रॉम द PDF गिवन और सेंड टू यू। डियर स्टूडेंट्स, टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द यूनिट, that is colloidal states of matter। so dear students, colloidal states of matter के बारे में आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी substances है, solutions है, तीन टाइप के होते हैं, true solution, colloidal solution और suspension। तो यहाँ पर हम दोबारा जो है थोड़ा डिटेल में colloids के बारे में पढ़ेंगे, colloidal solution के बारे में पढ़ेंगे। so dear students, Thomas Graham जो है scientist का जो name है, उसने बहुत सारे compounds के solution बना करके उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है स्टडी किया थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन और पार्चमेंट मेम्ब्रेन। पार्चमेंट पेपर होता है, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होते, बिटवीन फाइन पोर्स होते हैं उसके बीच में, और उनके थ्रू पार्टिकल जो है, वही पार्टिकल उसके आसपास जो है क्रॉस कर सकते हैं, जो पार्टिकल वेरी स्मॉल इन साइज होते हैं, यू कैन से पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, थॉमस ग्राम ने ये स्टडी किया कि डिफरेंट सॉल्यूशंस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को स्टडी किया थ्रू पार्चमेंट पेपर्स, एंड ही क्लासिफाइड द सब्सटेंसेस इनटू टू टाइप्स, वन इज क्रिस्टलॉइड एंड सेकंड वन इज कोलॉइड्स। दो सब्सटेंसेस विच कैन डिफ्यूज इजिली थ्रू द पार्चमेंट मेम्ब्रेन इन देयर डिजोल्व स्टेट एंड विच आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टलाइन और अमोर्फस दो स्टेट होती है। क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स, क्रिस्टलाइन स्टेट वो होती है जिसके अंदर पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन नेचर, क्रिस्टलाइन फॉर्म बोलते हैं। तो जो सब्सटेंसेस क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं और एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू इजिली पास हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलॉइड्स बोलते हैं, और सिंपली वी कैन से ट्रू सॉल्यूशंस उसको बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे सोडियम क्लोराइड है, यूरिया है, शुगर है, एटसेट्रा। जैसे शुगर सॉल्यूशन है, यूरिया सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन है। अगर आप फिल्टर पेपर, या फिल्टर पेपर जो हम यूज करते हैं वो सिंपल फिल्टर पेपर यूज करते हैं, और एक वाटमैन फिल्टर पेपर होता है बिल्कुल फाइन पोर्स वाला, उसके थ्रू भी इजीली पास हो जाते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्रिस्टलॉइड्स कहलाते हैं, और उनको ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है। और वो सब्सटेंसेस जैसे कि स्टार्च है, गम है, जिलेटिन है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं और वो इजीली जो है डिफ्यूज नहीं होते थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन इन देयर डिजोल्व स्टेट, उनको क्या बोला गया, कोलोइडल स्टेट्स ऑफ मैटर या कोलोइड्स या कोलोइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। एंड वन मोर, ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज के बेस पर जो सॉल्यूशंस हैं उनको क्लासिफाई किया गया। सॉल्यूशन वाली यूनिट में भी आपने थोड़ा बहुत है इसके बारे में पढ़ा होगा, फिर भी यहाँ पर दोबारा से बता देते हैं कि सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ, बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, पार्टिकल के साइज के बेस पर सॉल्यूशन को तीन टाइप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशंस, सेकंड वन इज कोलॉइड्स या कोलॉइडल सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स और कोलॉइडल सॉल्यूशंस, एंड थर्ड वन इज सस्पेंशन, थर्ड वन इज सस्पेंशन। जो ट्रू सॉल्यूशंस है, यहाँ पर पार्टिकल साइज जो होता है, पार्टिकल साइज ये क्या होता है, लेस देन वन नैनोमीटर होता है, लेस देन वन नैनोमीटर होता है, वन नैनोमीटर 10^-9 मीटर होता है, और यहाँ पर पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, और सस्पेंशन में ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर जो है पार्टिकल साइज होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिसके बेस पर तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है, वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंसेस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंसेस क्लियरली वन बाय वन। फर्स्ट इज नेचर। डियर स्टूडेंट्स, ट्रू सॉल्यूशन जो है that are homogeneous, homogeneous we have studied from 9th class that solution in which components are distributed equally throughout the mixture। तो ऐसे ही
जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उसमें पार्टिकल जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन, और होमोजीनियस वहां पर कंपोनेंट्स के बीच में देर इज नो विजिबल सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज। यहां पर कोलोइड जो है इसके बारे में लिखा जाता है हेट्रोजीनियस, बट कोलोइड्स जो है कोलोइडल सॉल्यूशंस की जो अपीयरेंस होती है दे अपीयर टू बी होमोजीनियस बट इन एक्चुअल दे आर हेट्रोजीनियस। बहुत अच्छा एग्जांपल होता है मिल्क एग्जांपल होता है, कई बार पेपर में भी पूछ लिया जाता है कि मिल्क जो है होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस है कोलोइडल सॉल्यूशन है ट्रू सॉल्यूशन है। तो डियर स्टूडेंट्स जो मिल्क होता है दैट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट इन एक्चुअल दैट इज हेट्रोजीनियस एंड सस्पेंशन आर ऑल्सो इन हेट्रोजीनियस इन नेचर। सेकेंड पॉइंट इज पार्टिकल साइज। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर हो तो वो सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर हो दैट इज कोलोइडल सॉल्यूशन, एंड ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर देन दैट सॉल्यूशन इज ऑफ सस्पेंशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट इज फिल्टरेबिलिटी। फिल्टरेबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू फिल्टर थ्रू द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर होने की एबिलिटी उसे बोलेंगे फिल्टरेबिलिटी। फिल्टर पेपर दो टाइप के यूज करेंगे, एक तो हम सिंपल फिल्टर पेपर यूज करेंगे और दूसरा हम करेंगे पार्चमेंट मेम्ब्रेन वाटमैन पेपर जिसको बोल सकते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन जिसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर पार्टिकल साइज बहुत छोटा स्मॉल पार्टिकल साइज ही उसके आसपास जो है थ्रू पास थ्रू हो सकता है। तो फिल्टरेबिलिटी में जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल सिंपल फिल्टर पेपर ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एज वेल एज थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन पार्चमेंट पेपर का बना हुआ फिल्टर पेपर होता है, दोनों के थ्रू जो है सॉल्यूशन के ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल जो है वो पास हो सकते हैं। और कोलोइड्स के में क्या होता है, कोलोइड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो सकते हैं बट पार्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होते, एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन के पार्टिकल ना तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं और ना ही पार्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेटलिंग। सेटलिंग क्या होता है, एबिलिटी टू गेट सेटल डाउन, नीचे बैठ जाना, जैसे कि डिकेंटेशन बोलते हैं उसमें क्या होता है मिक्सचर के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं उसके बाद ऊपर से क्लियर सॉल्यूशन को रिमूव कर दिया जाता है उसे डिकेंटेशन बोलते हैं। तो सेटलिंग डाउन की अगर बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइड जो है ये सेटल डाउन नहीं होते। अब आप कहेंगे कि जो कोलोइड्स है वो तो हेट्रोजीनियस है फिर वो सेटल डाउन क्यों नहीं होते, हम लास्ट में आगे पढ़ेंगे, फिर भी यही बता देता हूँ रीजन क्या होता है कि कोलोइड्स के पार्टिकल ड्यू टू ब्राउनियन मोमेंट जिगजग मोशन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से सेटल डाउन नहीं होते, और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं जब उनको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है तो थोड़ी देर बाद वो सेटल डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मीन्स पार्टिकल्स का साइज छोटा है, पार्टिकल जो है दैट आर विजिबल टू नेक्ड आई और दैट आर विजिबल थ्रू माइक्रोस्कोप और नॉट। तो पार्टिकल को अगर हम देखें तो पार्टिकल साइज नेक्ड आई से देख सकते हैं या नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं नहीं देख सकते। तो जो ट्रू सॉल्यूशन है उनके पार्टिकल्स को नेक्ड आई से या फिर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकते, बट जो कोलोइड्स के पार्टिकल है उनको नेक्ड आई से तो नहीं देख सकते बट कंपाउंड या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बहुत फाइन पार्टिकल्स को जो देख सकता हो उसके थ्रू हम उसको देख सकते हैं। और जो सस्पेंशन के पार्टिकल है उनको हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी देख सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज डिफ्यूजन। ये जो है फिल्टर पेपर के थ्रू आसानी से पार्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज हो सकते हैं और ये ट्रांसल्यूसेंट होते हैं और ये ओपेक होते हैं, ये आर पार नहीं हो सकते। सेम अगर बात करें हम इनकी नेचर के बारे में, ये क्या होता है ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये ट्रांसल्यूसेंट और ये क्या होते हैं क्लियर डिफरेंस वाले, इनको हम क्या बोल सकते हैं ओपेक नेचर का बोल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स वी हैव स्टडीड द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन कोलोइड्स एंड सस्पेंशन। नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलोइड्स। कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलोइड या कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सिंपली अगर बात करें जैसे हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन होता है लोअर क्लासेज में भी हम पढ़ चुके हैं। इफ वी टॉक अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन कौन से होते हैं, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका सॉल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट।
तो डियर स्टूडेंट, जैसे सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, ऐसे ही जो हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन या कोलोइड होते हैं उसके भी दो कंपोनेंट होते हैं। वन इज कोलोइड्स में दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, एंड सेकंड वन इज डिस्पर्सन मीडियम, सेकंड वन इज डिस्पर्सन मीडियम। तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड बाय कंपेयरिंग दीज टू कंपोनेंट्स विद कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। जिस प्रकार से सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, ऐसे ही कोलोइड्स के अंदर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम होता है। ये तो सिंपल बात हो गई है। अब इसको क्लियर वे में समझाते हैं कि डिस्पर्स फेज क्या होता है। दैट कंपोनेंट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड या व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन डिस्पर्सन मीडियम। जैसे वो कंपोनेंट जो स्मॉल अमाउंट में होता है सॉल्यूट होता है, और जो लार्ज अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है। या डिसॉल्यूशन के बेस पर अगर बोले, वो कंपोनेंट जो दूसरे में डिजोल्व हो जाता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, और जो कंपोनेंट दूसरे को अपने अंदर डिजोल्व करता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। सेम वे में जो कंपोनेंट जो है दूसरे कंपोनेंट के अंदर डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है, उसे डिस्पर्स फेज बोलते हैं। और जो कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर डिफ्यूज करता है, अपने अंदर डिस्पर्स कर लेता है, फैला लेता है, अपने अंदर मिक्स कर लेता है, उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये लार्ज क्वांटिटी में होता है और ये स्मॉल क्वांटिटी में होता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से क्लियर हो गया कोलोइड्स के हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज। सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज किस स्टेट में है, सॉलिड लिक्विड गैस, या डिस्पर्सन मीडियम किस स्टेट में है, उसके बेस पर कोलोइड्स को अलग अलग नाम दिया गया है। विद एग्जांपल ध्यान से देखें। फर्स्ट इज सॉलिड, देखो सॉलिड इनटू सॉलिड, सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड इनटू गैस। तो इस तरीके से इनको बोला जाता है, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस। तो कौन सा कॉम्पोनेंट किस में है उसी तरीके से इसको बोला जाएगा। सॉलिड इन सॉलिड जो है उसको सॉलिड सोल बोलते हैं, सॉलिड इन लिक्विड हो उसको सिंपली सोल बोलेंगे। तो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या, क्लर्ड ग्लासेस हो गए, जेमस्टोन हो गए। जेमस्टोन में जैसे आपका सफायर होता है, ओपल होता है, दूध या पत्थर होता है, तो जेमस्टोन जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सॉलिड सोल के एग्जांपल होते हैं। सॉलिड इन टू लिक्विड दैट इज नेम्ड एज सोल, और पेंट्स है, सेल फ्लूड्स है, सेल के अंदर जो फ्लूड लिक्विड फ्लूड भरा होता है उसमें क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में डिजोल्ड होता है। प्रोटीन्स वगैरह जो है वो सेल फ्लूड में प्रेजेंट जो होते हैं वो वाटर में डिजोल्ड होते हैं। मडी वाटर होगा वो किसका एग्जांपल है, सोल का एग्जांपल है। सॉलिड इन गैस तो उसे क्या बोलेंगे, एरोसोल। तो एरोसोल का एग्जांपल क्या, स्मोक डस्ट, दी आर द एग्जांपल ऑफ एरोसोल। नेक्स्ट इज लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है जेल। जो हम जेल यूज करते हैं, चीज, बटर, जेलीज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जेल। नेक्स्ट इज लिक्विड इन टू लिक्विड दैट इज कॉल्ड एज इमल्सन। सो डियर स्टूडेंट, एरोसोल, सोल, इमल्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली तीन तो है, मिल्क है, हेयर क्रीम है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन। बिकॉज इमल्सन लास्ट में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। इमल्सन की दो टाइप होती है, एक ऑयल इन वाटर होता है, एक वाटर इन ऑयल होता है। नेक्स्ट इज लिक्विड इन टू गैस दैट इज कॉल्ड एज एरोसोल। फॉग मिस्ट, धुंध है, या बीच में एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर होता है, मिस्ट है, क्लाउड फॉर्मेशन है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एरोसोल। नेक्स्ट वन इज गैस इनटू सॉलिड, सॉलिड फॉर्म होता है, फॉर्म रबड़ जो होती है, रबड़ फॉर्म वो होती है, गैस इनटू सॉलिड। एंड लास्ट वन इज गैस इनटू लिक्विड, दिस इज फॉर्म एंड फ्रोथ, झाग होती है, सोप लेदर जो होती है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ गैस इनटू लिक्विड्स। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखें गैस इनटू गैस नहीं लिखा हुआ है, इसका रीजन क्या है, गैस इनटू गैस इज नॉट रिटन। गैस इनटू गैस जो होता है वो कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, गैस इनटू गैस, गैस कोई भी हो अगर दूसरी गैस में मिक्स होती है, दैट डिफ्यूजेज क्लियरली, दोनों एक दूसरे के अंदर क्लियरली मिक्स हो जाती है और यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाती है, तो दैट फॉर्म होमोजेनस मिक्सचर। और कोलोइडल सॉल्यूशन तो हमने क्या पढ़ा है, हेटरोजेनस होते हैं, इसीलिए गैस इनटू गैस होता है, दैट इज नॉट कोलोइडल सॉल्यूशन। एंड वन मोर थिंग,
डिपेंडिंग अपॉन द डिस्पर्सन मीडियम कौन सा है, तो सोल के भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे अगर हमारे पास डिस्पर्सन मीडियम वाटर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वासोल, और अगर डिस्पर्सन मीडियम हमारे पास एल्कोहल हो तो एल्कोसोल, और जैसे हमारे पास डिस्पर्सन मीडियम अगर हमारे पास वाटर है तो उस सोल को नाम देंगे, सोल का नाम हो जाएगा एक्वासोल, ठीक है। और अगर डिस्पर्सन मीडियम हमारे पास गैस है या एयर है तो नाम हो जाता है एरोसोल, और अगर डिस्पर्सन मीडियम इसको एक्वासोल के साथ हाइड्रोसोल भी बोल सकते हैं, हाइड्रोसोल। और अगर हमारे पास डिस्पर्सन मीडियम अल्कोहल तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एल्कोसोल बोल सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, वी हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोलॉइड्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी सेकेंड टाइप इज बेस्ड अपॉन द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन है या नहीं उसके बेस पर कोलॉइड्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, लियोफिलिक एंड लियोफोबिक। लियो वर्ड जो है लिक्विड के लिए, फिलिक लविंग होता है, फोबिक हेटिंग होता है, तो लिक्विड लविंग और लिक्विड हेटिंग। जैसे कि आपको पता है कि कोलॉइड्स में दो कंपोनेंट होते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। अगर कोई पार्टिकुलर डिस्पर्स फेज गिवन या पार्टिकुलर डिस्पर्सन मीडियम के साथ मिक्स हो जाता है और उसके साथ अच्छे से इंट्रैक्शन करता है और कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर लेता है, उनको हम क्या बोलते हैं, लियोफिलिक। और जो डिस्पर्सन मीडियम के साथ मिक्स करने पर डायरेक्टली जो है वो कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनाते, उसके साथ अच्छे से इंट्रैक्शन नहीं करते और वो स्पेशल मेथड से उनको बनाया जाता है, उन्हें क्या बोलेंगे, लियोफोबिक बोलेंगे। तो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि गम है, जिलेटिन है, स्टार्च है, रबड़ है, तो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर डिस्पर्स फेज गिवन या पार्टिकुलर सुटेबल लिक्विड जो डिस्पर्सन मीडियम है उसमें मिक्स होने के बाद डायरेक्टली जो है कोलोइडल सॉल्यूशन बना देते हैं। और ये जो सोल्स है ऐसे जैसे कि ये डायरेक्टली बना देते हैं, बन जाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको इंट्रिंसिक कोलोइड भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट आर इंट्रिंसिक कोलोइड्स, आप कहेंगे कि ये तो टाइप पढ़ी नहीं है, तो ये भी एक नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इंट्रिंसिक कोलोइड्स क्या होता है, कोई एग्जांपल बताएं, तो यहां से एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन डायरेक्टली जो है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को ऐड करने से, मिक्स करने से बन जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक कोलोइड्स बोलते हैं। और ये जो रिवर्सिबल होते हैं और क्वाइट स्टेबल होते हैं, रिवर्सिबल का मतलब है कि सिंपली जो है ये डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम रिवर्स बैक करके सेपरेट भी किए जा सकते हैं और ये स्टेबल होते हैं, इजिली प्रेसिपिटेट नहीं होते, सेटल डाउन नहीं होते। और ये जो होते हैं लिक्विड हेटिंग जो लियोफोबिक बोला गया है, इनमें मेटल्स आ जाते हैं, मेटल के सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, इस तरीके से सल्फाइड जो होते हैं मेटल के, जो सिंपली मिक्स नहीं होते डिस्पर्सन मीडियम के साथ, विच वेन सिंपली मिक्स विद डिस्पर्सन मीडियम do not form colloidal sol, directly colloidal solution नहीं बनाते, इनको बनाने के लिए special method का use किया जाता है, वो हम next topic में पढ़ेंगे, उससे पहले भी type बाकी है। और these are irreversible, एक बार अगर दोनों mix हो गए, colloidal solution बन गया special method से, तो फिर वो reverse नहीं किए जा सकते, component separate नहीं किए जा सकते, और these are not stable and these can be precipitated easily. So dear students, we have studied two types today, remaining we will study in the next chapter and we will study also the special method for the preparation of colloids. Dear students, this is enough for today and you have to read all these parts and write it, note down it in your notebook. Thank you and have a nice day.